वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। चैप्टर 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया हमने एलएन मॉड्यूल से, और आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 से 3 एमसीक्यू नीट के लिए और 2 एमसीक्यू जेईई के लिए, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ओके चैप्टर में ये। तो एक एक टॉपिक करके ही समझेंगे हम, और तुम्हें भी समझना टॉपिक के हिसाब से ही है। एमसीक्यू बहुत सिंपल है चैप्टर के, समझना ओके। एमसीक्यू बहुत सिंपल है, जितना बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा तुम्हारा एमसीक्यू उतने आसान होंगे, तो रट्टेबाजी से दूर ही रहना है तुम्हें। चलो चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग और एलएन के मॉड्यूल के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है। तो 2 पॉइंट करके ही देखो टॉपिक होगा अंदर, और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। सिंपल बेसिक तरीके से ही स्टार्ट करेंगे हम। अब ऐसे एग्जांपल मान लो हाइड्रोजन एटम है एनवायरनमेंट में, हाइड्रोजन एटम है तो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्या एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है हाइड्रोजन, एच फॉर्म में है हाइड्रोजन, तो ये फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इंडिविजुअल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये, नो मतलब ये फॉर्म में डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा ये फॉर्म में। तो क्या करता है, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में कंबाइन होकर क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, और दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है यहाँ पर, उसी को हम क्या बोलने वाले, बॉन्ड, समझना। तो हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इंडिविजुअल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये इंडिविजुअल एटम है हाइड्रोजन का, जबकि ये 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो ये मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट उसी तरह ऑक्सीजन, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन भी इंडिविजुअल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऑर्डिनरी कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता, समझना। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ये फॉर्म में, तो ये भी क्या करेगा, दूसरे एटम के साथ में, दूसरे और भी एटम के साथ में, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ में, हम यहाँ पर ऑक्सीजन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे, और दोनों O2 मॉलिक्यूल में चले जाएंगे। इंडिविजुअल एटम एग्जिस्ट नहीं करता, तो कौन कौन से एटम इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनर्ट गैस के अलावा सभी, तो कौन से इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, समझना। तो इंडिविजुअल फॉर्म में कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, सारे इनर्ट गैस जो होते हैं वो, तो मतलब क्या हुआ, इनर्ट गैस में अगर मान लो हीलियम है तो वो इंडिविजुअल एटम के फॉर्म में, तो क्या हीलियम दूसरे हीलियम के साथ में He2 बना लेगा, नो। तो ये तो कौन से फॉर्म में प्रेजेंस है, He के फॉर्म में ही प्रेजेंस है, इसी किसी के साथ में बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक हीलियम इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब इसे हम एटम बोलो मॉलिक्यूल बोलो दोनों राइट है। उसी तरह नियॉन के लिए एग्जांपल ले लो, तो नियॉन भी कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसे हम जनरली क्या बोलते थे, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ये डायटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्यों कर रहा है ये, तो इसके पीछे सिंपल सा रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूग्रेशन, ये बॉन्डिंग बना रहे ये बॉन्डिंग नहीं बना रहे, तो इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि यहाँ पर उनको अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है, जिसका आउटर मोस्ट कंप्लीट होगा वो स्टेबल होंगे। तो चलो अब यहाँ पर एक और चीज़, ये इंडिविजुअल एटम ज़्यादा स्टेबल या H2 मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल, तो H2 मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये कम स्टेबल है ओके। यहाँ पर तो दोनों स्टेबल ही है, ये स्टेबल ही है, यही फॉर्म में रहते हैं, तो इनर्ट गैस केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा, इनर्ट गैस को केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, स्टेबल है। तो यहाँ पर आ जाओ अब, इंडिविजुअल एटम है H, ये दूसरा इंडिविजुअल एटम है H, और दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जब इंडिविजुअल एटम है ये H और H, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इंडिविजुअल एटम की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इनकी एनर्जी हायर है, तो मतलब इनकी एनर्जी क्या होगी, समझना, ये एमसीक्यू है,
मोर होगी, यहाँ पर इंडिविजुअल एटम की एनर्जी क्या होती है, मोर। लेकिन जब वो इंडिविजुअल एटम एक दूसरे के साथ पास में आएंगे और बॉन्ड बना रहे, तो उस वक्त एनर्जी कितनी हो जाएगी मॉलिक्यूल की, H2 की एनर्जी कितनी हो जाएगी, लेस एनर्जी होगी इनकी। दूसरा, जो इंडिविजुअल एटम है वो लेस स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी भी क्या होती है उनकी, कम है। तो ये स्टेबिलिटी कैसी है इनकी, इट इज़ अ लेस स्टेबल। जबकि H2 मॉलिक्यूल क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये क्या हुआ, मोर स्टेबल है। अब पॉइंट समझना है यहाँ पर, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम, मतलब केमिकल बॉन्ड जब बन रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज ही करेगा। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अब उसे कम एनर्जी में जाना है तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज कर रहा है मतलब ये क्या हुआ, कौन सी प्रोसेस हुई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई। तो केमिकल बॉन्डिंग कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना है तुम्हें, ओके। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी रिलीज हुई मतलब क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो केमिकल बॉन्डिंग कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा, एनर्जी और स्टेबिलिटी का रूल्स क्या है बोलो, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो ये भी अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ याद रखना, एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या है, इन्वर्सनली, ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो लेस स्टेबल, जिसकी एनर्जी कम वो ज़्यादा स्टेबल। आराम से बैठना है उसे तो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है, जितनी एनर्जी लूज़ करेगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन करेगा वो, उसके बाद उसे कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं। जब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होते हैं ना तभी मॉलिक्यूल भागम भाग करते हैं, ओके। तो ये पॉइंट समझना है। और केमिकल बॉन्डिंग जब बनेगा तो केमिकल बॉन्डिंग कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होगी ही होगी। तो एक इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था ये, चलो आगे बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ और मैं। तो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स याद रखोगे खास, बहुत इम्पोर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड टर्म्स। चलो केमिकल बॉन्ड में क्या होगा, कौन केमिकल बॉन्ड बनाते हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैस, तो केमिकल बॉन्ड कौन फॉर्म करेंगे, एक्सेप्ट इनर्ट गैस, ऑल एटम या एलिमेंट्स फॉर्म दी केमिकल बॉन्ड, सबको केमिकल बॉन्ड बनाना है, क्लियर है। दूसरा, केमिकल बॉन्डिंग कैसी प्रोसेस है, इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। थर्ड नंबर, जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तो उनमें क्या क्या एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे केमिकल बॉन्ड में, क्या प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, तो ओनली इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब समझना, ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रॉन्स आर री डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, समझना है यहाँ पर। और ओनली कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर सेल वाले या इनर सेल वाले, तो ओनली आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में ओनली बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। MCQ के लिए स्टेटमेंट याद रखना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इनर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल वाले आएंगे, दोनों रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तो वो डोनेट कर देंगे, गेन करेंगे, या तो शेयरिंग कर देंगे, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसी को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, उसके बाद केमिकल बॉन्ड के अंदर स्टेबिलिटी, केमिकल बॉन्डिंग में इंडिविजुअल एटम्स है और मॉलिक्यूल है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंडिविजुअल एटम से क्या होगी, ज़्यादा मॉलिक स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंडिविजुअल एटम से क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन खास याद रखोगे, इन्वर्सनली।
मतलब केमिकल बॉन्ड बनने के बाद वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू इंडिविजुअल एटम। तो क्लियर है इतने स्टेटमेंट। एक आध और स्टेटमेंट, उसके बाद जब भी ये बॉन्ड बनाएगा, जब भी बॉन्ड बना लेता है तो वो एटम क्या करता है, अपना नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। स्टेबिलिटी गेन करना मतलब क्या, सबको क्या करना है समझना, सबको नोबल गैस बनना है, सबको नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अगर जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा नहीं है वो सभी रिएक्शन करते हैं, और वो सभी क्या करते हैं, कैसी कोशिश करेंगे सबको नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, उसके लिए वो डोनेट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं या शेयरिंग कर सकते हैं। समझना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कोई भी सारे एटम किसके जैसा बनना चाहते हैं, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि नोबल गैस बहुत स्टेबल है, सबको चाहिए स्टेबिलिटी, तो सभी भागम भाग करेंगे सारे एलिमेंट और क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो जाए। तो इसी चक्कर में एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या गेन करते हैं, और लास्ट में नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर स्टेबल हो जाते हैं। तो सबका एक्वायर क्या करेंगे, ये ऑल एलिमेंट्स एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सभी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की ट्राई करते हैं। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब इसे नोबल गैस जैसा बनना है तो 2 ले लेगा वो, और कैसा बन जाएगा, नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। जैसे कि मान लो नियोन है, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2-8 है, तो ये स्टेबल है, इसे ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसे ही बोलते हैं। लेकिन ऑक्सीजन में क्या है, 2-6, आउटर मोस्ट में 6 है। तो अब इसे क्या करना है बोलो, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करेगा। अब इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले किसी के पास से, या अपने 2 इलेक्ट्रॉन और सामने वाले 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बोलते थे। समझना पॉइंट, ओके। तो ये सभी क्या करेंगे, पॉइंट समझो यहाँ पर, जैसे कि ये नियॉन है और सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, नियॉन फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन, तो सबको किसके जैसा बनना है, नियॉन, मतलब ये भी भागेगा इसकी तरफ, ये भी भागेगा इसकी तरफ, है ना। ये सभी क्या करते हैं, नियॉन जैसा बनने की ट्राई करते हैं। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो नियॉन का क्या है, स्टेबल का 2-8, फ्लोरीन का कितना है 2-7, ऑक्सीजन 2-6, नाइट्रोजन 2-5 और ये 2-4। तो ये सभी क्या करेंगे, आउटर मोस्ट सेल का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। समझ रहे हो पॉइंट, मतलब इसे अगर एक मिल गया तो इसके जैसा हो गया, अगर इसे 2 मिल गए तो इसके जैसा, ये 3 लेकर इसके जैसा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ही ये इलेक्ट्रॉन गेन डोनेट कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ही केमिकल बॉन्डिंग बन रहा है। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखना। और हाँ, ये सभी की एनर्जी क्या है, ज़्यादा ही है, तो ये एनर्जी लूज़ कर करके दूसरों के साथ में बॉन्ड बना रहे, केमिकल बॉन्ड बना रहे, और नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया फिर वो स्टेबल है, जैसे कि हवा में O2, वो स्टेबल फॉर्म में है, नो डाउट वो रिएक्शन कर सकता है लेकिन स्टेबल है अभी, इतना ज़्यादा इजीली भी रिएक्शन नहीं कर लेगा जितना O है और O2 है। तो O इंडिविजुअल है तो उसकी रिएक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा है, जबकि O2 के लिए कंडीशन चाहिए, अगर O2 का रिएक्शन करवाना हो, हम हवा में जो ऑक्सीजन है अगर वो किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इतना स्पीड से नहीं करेगा। तो वो सभी भागम भाग करेंगे, नोबल गैस जैसा बनने की ट्राई कर रहा है। तो ये केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट समझना, ओके। तो क्या है, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग के लिए एक्सेप्ट इनर गैस, ऑल एटम्स क्या करेंगे, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। सेकंड नंबर, केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देन इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और कौन से इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओनली सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वही रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनको कोई लेना देना नहीं है बॉन्डिंग के अंदर। नेक्स्ट, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या है,
इन्वर्सनली, मतलब जैसे केमिकल बॉन्ड बनेगा एनर्जी क्या होनी है, कम होनी है, स्टेबिलिटी बढ़नी है। नेक्स्ट सभी क्या करेंगे, एलिमेंट एक्वायर लाइक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की सभी कोशिश कर रहे हैं। और कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने समझा कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी कुछ ना कुछ आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स में चेंज करके ऐसा बनने की ट्राई करेंगे। तो सबको यहाँ तक पहुँचना है, समझना, सभी यहाँ तक पहुँचने की ट्राई करेंगे और जो पहुँच गया वो स्टेबल हो गया। अब पहुँचने के लिए वो अलग अलग कोशिश कर सकते हैं। देखो लास्ट टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड, छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं। चलो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, चलो केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के हैं, तो मेनली दो टाइप के केमिकल बॉन्ड डिवाइड कर देते हैं हम। एक तो एटम एटम के बीच में बन रहा है और एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। एटम के बीच में बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। और मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। समझना ये। अब जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होंगे ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही होंगे, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो ये बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि ये बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा इसके कंपेयर में वीक होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब क्या, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी, मतलब वो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम, तो 200 के आसपास में ना, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, समझना, 200 और उससे ज़्यादा किलो कैलोरी पर मोल है ना, किलो कैलोरी या जूल है, किलो जूल पर मोल। जबकि जो वीक बॉन्ड है तो ओनली कितनी एनर्जी है वहाँ पर, बॉन्ड एनर्जी उनकी देखो 42 किलो जूल पर मोल, तो इतनी बॉन्ड एनर्जी है, तो बॉन्ड एनर्जी कम है तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। अब चलो कौन कौन से बॉन्ड है ऐसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में काउंट करेंगे हम, और जो एटम के बीच में बनते हैं वो, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड आ रहा है, आयोनिक बॉन्ड, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हम। सेकंड नंबर कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड नंबर कोऑर्डिनेट, और फोर्थ नंबर पर मेटालिक बॉन्ड। बेसिक चीज़ें पता होगी तुम्हें इनके बारे में, शायद कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम्हारे लिए एकदम नया होगा। चलो इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड में कौन से बॉन्ड है, हाइड्रो एच बॉन्ड, एंड थर्ड सेकंड नंबर वांडरवाल्स। यूनिवर्सल फोर्स कौन सा है इसमें से, यूनिवर्सल जो प्रेजेंट ही होगा हर जगह पर, तो वांडरवाल फोर्स क्या होता है, यूनिवर्सल फोर्स होता है। सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, सबसे वीक, सो वांडरवाल फोर्स सबसे वीक फोर्स है। समझना यहाँ पर, सबसे एमसीक्यू में आ गया ये भी, सबसे वीक बॉन्ड कौन सा बनेगा यहाँ पर, वांडरवाल फोर्स सबसे वीक है। तो टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड, और चैप्टर में हमें यही डिटेल में पढ़ना है, समझना, आयोनिक बॉन्ड से डिटेल में, कोवेलेंट बॉन्ड डिटेल में गिवन है, कोऑर्डिनेशन गिवन है, एच बॉन्ड गिवन है, मतलब 4 से 5 टॉपिक तो इससे रिलेटेड ही है। तो बॉन्डिंग कैसे बन रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एज एग्जांपल ले लो H2O और एक H2O, दो मॉलिक्यूल है ना, ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक कोवेलेंट इसमें से, तो ये मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड हो सकता है, वांडरवाल्स तो होगा ही होगा। पानी के दो मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड है, वांडरवाल्स तो होगा ही होगा, और H बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, तो H2O में H बॉन्ड भी बनता है, समझना। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, एक H2 और दूसरे H2O, दो H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है, H बॉन्ड, या तो वांडरवाल्स, वांडरवाल्स तो यूनिवर्सल है ही वहाँ पर, लेकिन सभी H बॉन्ड नहीं बना सकते। तो पानी जो है ना वो फ्लो में जा रहा है, तो किसकी वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में या फ्लो में जा रहा है, H बॉन्ड की वजह से। दूसरा अब समझना यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो एटम ये भी एटम, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हो रही है या डोनेट गेन कर रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड हो रहे हैं ना, समझना, एटम और एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से बॉन्ड पड़ेंगे हम, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड आएंगे वो कौन से होंगे, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड।
तो ये बॉन्ड अगर स्टडी कर रहे हो तो इसके लिए ये जाएगा, और ये बॉन्ड स्टडी कर रहे हो तो इसके लिए ये जाएगा। तो केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड टॉपिक, अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट किया है, लेकिन आगे बढ़ेंगे कल। अभी 2 मिनट तो रुको।